दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा। एक प्यारी दोपहर बादशाह अकबर अपने नन्हे बेटे को गोद में खिला रहे थे। अले ले 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 ले, हमारा शहजादा है सबसे प्यारा, हमारा शहजादा है सबसे दुलारा। ये सुन दरबारी भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। जी बिल्कुल बादशाह, नन्हे शहजादे दुनिया के सबसे प्यारे और खूबसूरत बच्चे हैं। जी महाराज, ये बात तो सो आने खरी है। बस और क्या था, एक एक कर सभी दरबारी नन्हे शहजादे के तारीफों के पुल बांधने लगे, जिसमें बादशाह अकबर भी जुड़ गए और उन्होंने कहा, सही कह रहे हो तुम सभी, हमें बहुत गर्व है कि हमारे नन्हे लाल दुनिया में सबसे खूबसूरत है, इनके जैसा और कोई नहीं। सभी दरबारी सहमति से सिर हिलाने लगे, सिवाय बीरबल के, जो कोने में खड़े बस अपना सिर खुजा रहे थे। ये देख अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, पूरा दरबार शहजादे की खूबसूरती की तारीफ कर रहा है और तुम बस चुपचाप खड़े हो, क्या तुम्हें शहजादे दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे नहीं लगते? ऐसी बात नहीं है महाराज, नन्हे राजकुमार बेहद खूबसूरत है, पर मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे खूबसूरत नहीं है। बीरबल की इस बात पे पूरा दरबार चौंक उठा। बादशाह खुद क्रोधित होके बोले, जबान संभालो अपनी, याद रहे तुम हमारे बेटे के बारे में बात कर रहे हो। क्षमा कीजिए महाराज, मेरा इरादा राजकुमार की बेइज्जती करने का नहीं था, वे वाकई बेहद सुंदर है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि वे दुनिया में सबसे सुंदर नहीं है। ये सुन अकबर आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा, बीरबल होश में आ जाओ, तुम मेरे चहेते हो इसका मतलब ये नहीं, मैं तुम्हें इस बात में माफ कर दूंगा, ढूंढ के भी तुम्हें हमारे युवराज जैसा खूबसूरत बच्चा नहीं मिलेगा, समझे? दोबारा क्षमा कीजिए महाराज, दरअसल हमें सबसे खूबसूरत बच्चे देखने के लिए दुनिया घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा तो हमारे राज्य में ही है। ये सुनकर सारे दरबारी चौंक गए और बादशाह अचंभित होकर बोले, अच्छा तो फिर हम भी देखना चाहेंगे कि कौन हमारे युवराज से ज्यादा खूबसूरत दिखता है, जाओ और उसे इसी वक्त दरबार ले आओ। क्षमा करें महाराज, उस बच्चे के तेजस्वी रूप के दर्शन करने हमें स्वयं वहाँ जाना होगा, और तो और हम सभी दरबारी वहाँ नहीं जा सकते, बस कोई एक मंत्री, आप और मैं उस बच्चे की झलक देखने जा सकते हैं। ठीक है मुख्यमंत्री जी, आप भी हमारे साथ चलिए। कुछ देर बाद वे तीनों दरबार से कुछ दूर जंगल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ये देख मुख्यमंत्री जी ने सवाल पूछा, बीरबल कहीं कोई शेर या कुत्ते का बच्चा तो नहीं दिखाने ले जा रहे हो? इस पर क्रोधित अकबर ने कहा, क्या कह रहे हो आप मुख्यमंत्री जी, हमारे युवराज की तुलना जानवरों से कर रहे हो, होश में तो हो। माफ कीजिए महाराज, ये मतलब नहीं था हमारा। तुम्हें तो हम दरबार लौट कर सबक सिखाएंगे, चुपचाप बस चलते रहो। जरा धीमे बात कीजिए, वरना आवाज सुन वो सबसे खूबसूरत बच्चा डर भी सकता है। पर वो है कहाँ? ठीक आपके सामने। अकबर और मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा यहाँ वहाँ देखा तो थोड़ी ही दूर एक गरीब बच्चा अपने मिट्टी के खिलौनों के साथ उसकी झोपड़ी के बाहर खेल रहा था। अकबर वो देख गुस्से से लाल हो गए और बोले, ये तुम्हें कहाँ से ये जंगली बच्चा हमारे युवराज से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, इतने दूर हम पैदल इसे देखने आए, इससे बेहतर तो हम अपने बाग में खरगोश के बच्चे देख लेते, वे इस जंगली बालक से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये बात झोपड़ी के भीतर खाना बनाती उस बच्चे की माँ के कानों पर पड़ी और वे तुरंत बाहर आ गईं। उस माँ ने अपने बच्चे को गोद में लिया और गुस्से से कहा, अरे अरे तुम होते कौन हो मेरे बच्चे के बारे में ये कहने वाले? माना कि वो बेचारा बोल सुन नहीं सकता और गरीबी के कारण हम उसे पेट भर खाना नहीं खिला सकते, पर मेरे लिए मेरा बच्चा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। ये सुन बादशाह अकबर बहुत भावुक हो गए और उनका सिर नीचे झुक गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल हम तुम्हारी बात समझ गए, तुम हमें यही समझाना चाहते थे ना कि हर एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए
दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा होता है। बीरबल ने भी अपना सिर धीरे से हिलाकर बादशाह से सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, मेरी मनसा बस इतनी सी ही थी। फिर बादशाह ने उस माँ की ओर देखा और विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कीजिए देवी जी, आपके प्यारे बच्चे के बारे में हमने भला बुरा बोल के आपके दिल को ठेस पहुँचाई है। आपका बेटा वाकई दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। इस बार बीरबल चुटकुला लेते हुए बोले, हाँ हाँ, सबसे खूबसूरत, बिल्कुल दुनिया के सभी बच्चों जैसा। ये सुन सभी हंस पड़े और हमें एक महत्वपूर्ण सीख सिखा गए, और वो क्या है, यही कि खूबसूरती देखने वालों की आँखों में और भावनाओं पर निर्भर करती है।